बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों। आज है 19 अप्रैल सन 2021 और दिन है पीर का, सोमवार का। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ओमान के केसेस शेयर कर रहा हूँ। तो ये टोटल 24 घंटों का डाटा है। तो टोटल 24 घंटों के दौरान जो न्यू केस निकले हैं उनकी तादाद है 1399, यानी 1399% के। और अब तक जो टोटल केस हो चुके हैं उनकी तादाद हो चुकी है 1,81,430, यानी 1,81,430% की। और दोस्तों अगर वफात की बात करें जो टोटल 24 घंटों के दौरान न्यू हुई हैं तो वो हुई हैं 12 अफराद की, यानी 12% की। और अब तक जो टोटल वफात वाक़ हो चुकी हैं उनकी तादाद हो चुकी है 1,890, यानी 1,890% की। और अब तक जो कल से यानी 24 घंटों के दौरान न्यू रिकवर हुए हैं, न्यू सेहतमंद हुए हैं, तो उनकी तादाद है 1,346, यानी 1,346% की। और अब तक जो टोटल रिकवर हो चुके हैं, सेहतमंद हो चुके हैं माशाल्लाह से, उनकी तादाद है 1,61,670, यानी 1,61,670% की। और दोस्तों अगर बाकी मरीजों की बात करें जो इस वक्त बाकी हैं इस बीमारी के, इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे, तो उनकी तादाद है 17,870, यानी 17,870% की। और दोस्तों अगर हॉस्पिटल की बात करें जो टोटल 24 घंटों के दौरान न्यू एडमिट हुए हैं तो उनकी तादाद है 107, यानी 107%। और अब तक जो टोटल हॉस्पिटल में मौजूद हैं उनकी तादाद है 818, यानी 818%। और दोस्तों अगर आईसीयू की बात करें जो इंतहाई निगहदाश्त हालत में इस वक्त मौजूद हैं तो उनकी तादाद है 265, यानी 265%। तो सो आपके साथ ओमान का कोई भी महकमा इन्फॉर्मेशन शेयर करता है कि आप मौजूदा बीमारी से कैसे सेफ रह सकते हैं, कैसे दूसरों को रख सकते हैं, तो प्लीज़ उसको फुल फॉलो कीजिएगा। ये आपका और हमारा ही फायदा है। घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें, गैदरिंग अलाउड नहीं है, अपने हाथ बाकायदगी से सफाई करते रहें और जो डिस्टेंस बताई गई है उसे लाजम मेंटेन करें। अगर आपको मौजूदा बीमारी की शिकायत हो तो जल्द से जल्द डॉक्टर के साथ रब्ता करें। तो अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे, दुआ यही कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसे ही अच्छे अच्छे और मालूमती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।